कमाई के मामले में झंडे गाड़ दिए हैं। यश की फिल्म इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है। पहले नंबर पर अब भी बाहुबली 2 काबिज है। इस फिल्म के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। KGF 2 अब तक हिंदी बेल्ट से 412.8 करोड़ रुपए कमा चुकी है। अब देखना होगा कि ये फिल्म बाहुबली 2 को छू पाती है या नहीं। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे फुटफॉल्स की, यानी किसी फिल्म को कितने लोग देखने गए, कितने टिकट बिके। मगर फुटफॉल्स बड़ी डाइसी चीज है। हमने इस चीज को समझने के लिए ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा से बात की। कोमल ने हमें बताया, आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं बनी जिसने बिकी टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड रखा हो। वो इकलौती चीज है जिससे फुटफॉल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए फुटफॉल्स से जुड़े जो भी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो वेबसाइट फुटफॉल्स बता रही है वो उन फिल्मों की रिलीज के वक्त थी ही नहीं, इसलिए वो रिपोर्ट्स भ्रामक हैं। KGF 2 के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके फुटफॉल्स कम हैं। पिंक विला में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक दंगल का लाइफटाइम बिजनेस रहा 375 करोड़ रुपए। इस फिल्म के तकरीबन 3.7 करोड़ टिकट बिके थे। जब KGF 2 ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ तो उसके फुटफॉल्स 1.71 से 1.77 करोड़ रुपए के बीच रहे। यानी ये फिल्म उतने लोगों तक नहीं पहुंच पाई जितने लोगों तक दंगल पहुंची थी। ध्यान रहे, हम यहाँ सिर्फ फिल्मों के हिंदी वर्जन की ही बात कर रहे हैं। दोनों फिल्मों के फुटफॉल्स में फर्क की वजह है टिकट की बढ़ी हुई कीमतें। फिल्म की कमाई तो तेजी से बढ़ रही है मगर वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। जब भी फुटफॉल्स और टिकटों की बिक्री की बात होती है मामला शोले पर आकर रुक जाता है। IMDb के मुताबिक शोले के 18 करोड़ से ज्यादा टिकट बिके थे। हम इस आंकड़े को वेरीफाई नहीं कर पाए हैं मगर कई नई पुरानी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता है कि जब शोले आई थी तब एंटरटेनमेंट के ज्यादा साधन नहीं थे, इसलिए फिल्म देश के कई हिस्सों में 15 साल तक सिनेमाघरों में लगी रही, इसलिए इसके टिकट सेल की संख्या इतनी ज्यादा है। खैर, कुछ कथित भरोसेमंद साइट्स के हवाले से हम आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है या जिनके सबसे ज्यादा टिकट बिके। हम आपके हैं कौन को सबसे ज्यादा लोगों को सिनेमाघरों तक लाने वाली फिल्म माना जाता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इस फिल्म को 7,39,00,000 लोगों ने देखा। हम आपके हैं कौन की शूटिंग के दौरान अनुपम खेर को लकवा हो गया था। उनके शरीर का बायां हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए अनुपम खेर ने फैमिली वाले सीन में शोले की नकल की थी। सीन में उनका किरदार मुंह टेढ़ा करके धर्मेंद्र वाला डायलॉग बोलता है। अनुपम ने मुंह टेढ़ा किया नहीं था बल्कि लकवे की वजह से उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, यह अचानक से नेशनल सवाल बन गया था। इसी वजह से बाहुबली द कंक्लूजन को लेकर भयंकर क्रेज था। इस फिल्म के कुल 5,25,00,000 टिकट बिके। बाहुबली फ्रेंचाइज ओरिजिनली तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म थी। इसे तमिल और तेलुगु में शूट किया गया था। हिंदी, कन्नड़ा और मलयाली भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। बावजूद इसके बाहुबली 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म है। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने 510 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। यानी सबसे कमाऊ हिंदी फिल्मों की लिस्ट में पहले नंबर पर तेलुगु फिल्म का हिंदी डब्ड वर्जन है। गदर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मानी जाती है। इस फिल्म को देशभर में 5.05 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। कई मौकों पर बताया जाता है कि गदर में गोविंदा और काजोल काम करने वाले थे। अनिल शर्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि गोविंदा को उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ाई थी जिसे सुनकर वो डर गए। गोविंदा को लग रहा था कि इस स्केल की फिल्म इंडिया में कोई नहीं बना सकता, मगर अनिल शर्मा ने सनी देओल को लेकर ये कारनामा कर दिखाया। जाएंगे शाहरुख और काजोल के जीवन की लैंडमार्क फिल्म है। इस फिल्म के 4,70,00,000 से ज्यादा टिकट्स बिके थे। शाहरुख की DDLJ और आमिर खान की रंगीला कुछ समय के अंतराल पर ही रिलीज हुई थी। आमिर और शाहरुख दोनों को फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। आमिर रंगीला में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर काफी श्योर थे मगर फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल गया शाहरुख खान को। इस बात से आमिर नाराज हुए और उन्होंने अवार्ड शोज में जाना बंद कर दिया।
आमिर खान ने राजा हिंदुस्तानी में काम करना इसलिए चुना क्योंकि उन्हें पता था कि ये फिल्म चलेगी ही। उनका अनुमान सही साबित हुआ। राजा हिंदुस्तानी को तकरीबन 4.9 करोड़ लोगों ने सिनेमाघरों में देखा। राजा हिंदुस्तानी में परफॉर्मेंस के लिए आमिर खान को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इस साल शाहरुख की कोई फिल्म इस कैटेगरी में नॉमिनेटेड ही नहीं थी। आमिर इस अवार्ड शो में भी अपना अवार्ड लेने नहीं गए। आगे इस लिस्ट में बॉर्डर, दंगल, कुछ कुछ होता है, बजरंगी भाईजान और पीके जैसी फिल्में शामिल हैं। आपके लिए लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैं हूं अर्षदा, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।